हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में 5वां सिल्वर जुबली साइंस चिल्ड्रन कांग्रेस का शुभारंभ मंडी समिति चेयरमैन प्रेम कौशल ने किया। इस अवसर पर जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय साइंस चिल्ड्रन कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर अव्वल रहे 115 स्कूलों के 599 वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान में बच्चों की रुचि को बढ़ाना है। मंडी समिति चेयरमैन प्रेम कौशल ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विज्ञान से संबंधित बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस सम्मेलन के माध्यम से अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा का भी प्रदर्शन करने के लिए एक मौका मिलेगा। जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ने, और इसमें पूरे जिला भर से जो हमारे विद्यार्थी हैं साइंस स्टूडेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे लगभग 500 के करीब। आज इसका शुभारंभ हुआ है, 3 दिन तक चलेगा और इसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उन्होंने बहुत अपनी मेहनत से अध्यापकों के सहयोग से उनकी गाइडेंस में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स जो हैं वो अपने प्रदर्शित किए हैं। मन स्तर से निकल के यहाँ आए हैं जिला स्तर के कंपटीशन में। 3 दिन तक इनका एक कार्यक्रम चलेगा, उसमें अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, कंपटीशन होंगे, उसकी शुभकामनाएं भी बच्चों को दी हैं। तौर पर मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जो वो पढ़ते हैं विज्ञान से संबंधित, उसको अपनी जो डे टू डे लाइफ है उनकी, उनका जो एक्टिविटी है उसमें उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जो स्टडी है इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है जब तक इसको वो अपनी दिनचर्या में अपनी व्यक्तित्व में उसको आत्मसात ना करें और उसको आत्मसात करके उनकी एक्टिविटी में उनके व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन। वहीं जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में साइंस के प्रति रुचि पैदा करना है। उन्होंने बताया कि बच्चे विज्ञान में रुचि ले रहे हैं जिसके कारण ही हर साल सम्मेलनों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। जो बाल विज्ञान सम्मेलन है उसका उद्घाटन श्री प्रेम कौशल जी एपीएमसी के चेयरमैन एवं हिमाचल प्रदेश के जो प्रदूषण बोर्ड है उसके सदस्य हैं उन्होंने किया। इस सम्मेलन में लगभग 115 पाठशालाओं के 500 बच्चे जो हैं भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि सम्मेलन में बच्चों की जो बढ़ोतरी हुई है इस चीज़ को शो करती है, इस चीज़ को दर्शाती है कि बच्चे विज्ञान में रुचि ले रहे हैं और उनके जो अध्यापक हैं इसके लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने उन गाइड टीचर्स का, साइंस टीचर्स का, साइंस लेक्चर्स का और जो हमारी जो टीम है साइंस फैकल्टी की उसका धन्यवाद और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके इस कठिन परिश्रम के कारण ही हमारे ऐसे सम्मेलन जो हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट 3 साल पहले हमारे पास 1,10,000 रुपये होता था वो बढ़ाकर 2,75,000 रुपये किया है ताकि हम ऐसी प्रतियोगिताओं को बड़े अच्छे ढंग से करवा सकें। ये सभी प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो दुकान से मॉडल खरीद कर नहीं ला सकता, और ऐसा अगर कोई मॉडल पाया जाता है उसी स्कूल की एक्सप्लेनेशन विभाग द्वारा की जाती है और उनको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारे जो 5 सब डिवीजन हुए वहाँ जो हमने इस बार के मॉडल्स देखे, बेशक कि उनमें बहुत से मॉडल्स में नयापन नहीं था, लेकिन बच्चों द्वारा वो खुद बनाए हुए मॉडल्स यहाँ पे पेश हुए हैं और मुझे खुशी है कि बहुत से अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अपने बच्चों को इसके बारे में प्रेरणा देने के लिए।